नीचे करो एडी सर, नीचे चलो। ये देखें ऐसा दूरी बना रखा है, ऊपर ना नीचे कर लो। आज दूरी बना रखी है, अरे अपना नीचे कर लेना। आ जाओ मंडल अध्यक्ष को आ जाने भाई, आ जाओ भैया जी, आइए आईडी ऊपर ना, आगे आईडी की मामू परिगढ़ को भी आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय जनप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से 2022 विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 27,700 जो शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों पर हमारे सभी बूथ कमेटी के कार्यकर्ता एकत्र थे और उनको संबोधित किया। और आज के कार्यक्रम का नाम बूथ विजय अभियान था। और मैं यह कह सकता हूं कि आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से शंखनाद हो चुका है। और मैं भी पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में 2017 दोहराएंगे। 2022 में भी हम 2017 की तरह 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। और जो उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन चाहती है, विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, गरीब कल्याण चाहती है, किसान कल्याण, मजदूर कल्याण, युवाओं को रोजगार चाहती है, उस दिशा में जिस प्रकार से प्रदेश 4.5 साल से कम समय में, जो 15 साल में सपा बसपा की सरकारों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, उसे और भी तीव्र गति से हम 2022 में सरकार बनाने के बाद आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विपक्षी जो हमारे साथी हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस अथवा अन्य कोई दल, वह सारे विरोधी दल लगातार भाजपा को निशाना बनाते हैं। उनसे ज़रूर मैं यह प्रयागराज की धरती से कहना चाहता हूँ कि वह इस गलतफहमी में ना रहें कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके वह हमारे मतदाताओं को भाजपा के समर्थन में मतदान करने से रोकने में कामयाब होंगे। उनको यह भी मैं कहना चाहता हूँ, सारे विरोधियों एक हो जाओ, तब भी 100 में से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। ऐसा मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर के परिश्रम पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से, जो हम लोगों ने 4.5 साल में प्रदेश के अंदर और 7 साल में केंद्र के माध्यम से जो विकास के काम किए हैं, राष्ट्रहित के काम किए हैं, गरीब कल्याण किसान कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण हमारी पार्टी के प्रति समर्थन 2017 से भी अधिक बढ़ा है। इस भरोसे मैं कह सकता हूं कि हम 22 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। प्रदर्शन को दोहराना कितनी बड़ी चुनौती होगी और किससे मिलेगी? देखिए, कभी भी किसी भी अभियान को हम लोग लाइटली नहीं लेते कि मतलब भाजपा की लहर बहुत ज़बरदस्त है तो हम बूथ में अपना बूथ मजबूत करना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ विजय अभियान का शुभारंभ कर रही है। बाकी दल क्या कर रहे हैं उनको भी आप देखिएगा। कई दलों का तो देखिए बयानबाजी भले करें, मीडिया में आप सबके बीच में आकर के कुछ भी बोल सकते हैं, रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सारी पार्टियों के पास जो बूथ स्तर पर ताकत है उनको मिला दिया जाए एक साथ तो भी भाजपा की ताकत उन सभी दलों की तुलना में बहुत अधिक। बूथ विजय से कितनी मदद मिलेगी? बूथ विजय ही तो प्रदेश विजय है और बूथ विजय ही हमारी सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। 2017 में भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री वर्तमान के माननीय अमित शाह जी थे, तो हम क्षेत्रवार बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए थे, बूथ समितियों के सम्मेलन किए थे। और आखिरी जो हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश के बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति के लोगों का रमाबाई अम्बेडकर पार्क लखनऊ में हुआ था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। किसी को भरोसा नहीं था कि भाजपा बहुमत भी पाएगी, लेकिन हम बहुमत ही नहीं पाए, हम प्रचंड बहुमत पाए, 300 से ज़्यादा सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीतने में कामयाब हुए। तो जो स्थिति 17 में थी उससे अच्छी स्थिति 22। वो ऐसी कह रहे हैं कि 100 में पार्टी जो है अपराधियों को टिकट दे रही है। एक तरफ सपा ने लिया, मुख्तार के परिवार को शामिल किया, अतीक के बाद मुख्तार को ऑफर है, खुला ऑफर है एमआईएम की तरफ से। देखिए, एमआईएम का मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं। यह सारे के सारे दल एक लक्ष्य लेकर के आते हैं कि भाजपा को रोको, अर्थात 2024 में अगर मोदी जी को रोकना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोको। आम जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। इन सारे लोगों ने एक
कह लीजिए कि सांप और न्योले की दोस्ती जो 2019 में लोकसभा के चुनाव में हो गई थी, सपा और बसपा ने गठबंधन किया था और चुनाव परिणाम आने से पहले ही सब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जनता के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के दिल में है तो हम इन सारे विरोधियों के एक साथ होने के बाद भी 2017-2022 में दोहराए। लेकिन राजनीति का अपराधीकरण नहीं हो रहा है? राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण की शुरुआत किसने की है, यह अगर आप इतिहास के पन्ने को खोलोगे तो जो आज राजनीति के अपराधीकरण से बचने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही राजनीति में अपराधियों को प्रश्रय देने का काम किया है, उनको विधानसभा और लोकसभा का टिकट देने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम।